नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार महिला एवं बाल विकास विभाग में काउंसलर की निकाली गई वैकेंसी। बिहार बोर्ड इंटर में स्पॉट नामांकन की आगे बढ़ी तारीख। अब अध्ययन अवकाश ले सकते हैं सरकारी शिक्षक। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इस डॉक्यूमेंट को किया गया अनिवार्य। इस दिन होगी बिहार में मॉनसून की विदाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार महिला एवं बाल विकास विभाग में काउंसलर की निकाली गई वैकेंसी। बिहार महिला एवं विकास कॉरपोरेशन के अंतर्गत संचालित फ्लैगशिप प्रोग्राम मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में काउंसलर की 213 वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में बैचलर्स डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में काउंसलर के रूप में कम से कम 2 साल काम करने का अनुभव भी जरूरी है। अभ्यर्थियों के पास लॉ यानी कि LLB की डिग्री होगी तो उसे वरीयता दी जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार काउंसलर भर्ती के लिए आवेदन 29 अक्टूबर तक बिहार महिला एवं बाल विकास कॉरपोरेशन की वेबसाइट www.wdc.bih.nic.in पर जाकर दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इस डॉक्यूमेंट को किया गया अनिवार्य। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अहम सूचना। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। जिससे एक बात तो साफ है कि अब बिना आधार कार्ड के ना तो लर्निंग लाइसेंस बनेगा और ना ही वाहनों का स्थानांतरण होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, इस बाबत राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्त, सह सचिव क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को आधार की अनिवार्यता को लेकर पत्र भी जारी किया है। जारी किए गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 3 मार्च को जारी अधिसूचना में संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण करना आवश्यक किया गया है। इसका सही सही पालन किया जाए। बिहार बोर्ड इंटर में स्पॉट नामांकन की आगे बढ़ी तारीख। बिहार बोर्ड इंटर में स्पॉट नामांकन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब नामांकन का काम 10 अक्टूबर तक होगा। वहीं ऑन स्पॉट नामांकन अब आज यानी कि 8 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह तारीख 4 से 6 अक्टूबर तक निर्धारित थी। इसके साथ ही बोर्ड ने नामांकन लेने की तारीख भी आगे बढ़ा दी है। बोर्ड ने सभी स्कूल और कॉलेज को 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन अपडेशन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 3 चयन सूची पर 5 लाख के लगभग छात्रों ने नामांकन लिया है। स्पॉट नामांकन में 5,56,000 छात्रों को नामांकन का मौका मिलेगा। बता दें कि बोर्ड ने पहले मेधा सूची के आधार पर छात्रों को स्कूल कॉलेज में नामांकन का मौका दिया था। आज भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर हम बात करेंगे SK मजुमदार की। SK मजुमदार का जन्म 7 अक्टूबर 1927 को पटना, बिहार, भारत में हुआ था। उनके माता पिता श्री SK मजुमदार वॉर एट लॉ और श्रीमती ज्योति देवी एयर कमांडर सुधीर कुमार मजुमदार भारतीय वायुसेना में एक अधिकारी और हेलीकॉप्टर अग्रणी थे। मजुमदार ने अपने फ्लाइंग करियर की शुरुआत रॉयल इंडियन एयरफोर्स से की थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर उन्हें RIAF में शामिल किया गया था। उन्होंने 1948 में अपने फ्लाइंग विंग्स प्राप्त किए और 14 मई को एक पायलट ऑफिसर और फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन किया, जो कि तूफान और स्पिटफायर को उड़ाते हुए नए स्वतंत्र भारत की नवेली वायुसेना के हाल के दिनों में से मशहूर है। 65वीं BPSC के फाइनल परीक्षा परिणाम हुआ जारी। 65वीं BPSC के फाइनल परीक्षा परिणाम को बीते दिन जारी कर दिया गया है, जिसमें गौरव सिंह बिहार के पहले नंबर पर आए हैं। BPSC ने जो रिजल्ट जारी किया है, इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के 30 कैंडिडेट का चयन किया गया है। इस बार कुल 422 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। इस बार की टॉप 20 सूची में 2 लड़कियों का भी नाम शामिल है, जिन्होंने 2रा और 9वां स्थान हासिल किया है। रिजल्ट के आधार पर 14 विभागों में 423 पदों पर नियुक्तियां होनी है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फाइनल रिजल्ट के पहले साक्षात्कार की प्रक्रिया सितंबर के पहले सप्ताह में ही संपन्न कराई जा चुकी है। छठ तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में लगभग 500 एम्बुलेंस की होगी सुविधा। इस साल छठ तक ग्रामीण इलाकों में 500 नई एम्बुलेंस की सुविधा देने की तैयारी हो रही है, जो कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत किया जाएगा। इसको लेकर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी जानकारी दे दी है और समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया है। फिलहाल पहले चरण में योजना के तहत 500 लाभुकों को एम्बुलेंस खरीद के लिए अनुदान दिया गया है। इसमें से एक तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा ही, साथ ही दूसरी तरफ समय पर बीमार को अस्पताल लेकर भी जाया जा सकेगा। फिलहाल पहले मंत्री ने परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने पर चर्चा
की है। साथ ही सड़क दुर्घटना में कमी लाने पर भी जोर देने की बात कही है। इस स्पॉट का रखरखाव और उसकी उपयोगिता बढ़ाने का निर्देश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को भी दे दिया गया है। इसके साथ ही सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए जिलों में कैंप लगाकर प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। तीसरे चरण के पंचायत चुनाव से पहले 3,144 पदों पर निर्विरोध हुआ चयन। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग आज होनी है, जिसमें प्रदेश के 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 23,000 पदों के लिए मतदान किए जाने हैं, लेकिन इनमें से कई सीटों के परिणाम पहले घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें 3,144 पद ऐसे हैं जिन पर चुनाव कराने का खर्चा तो बचा ही है, क्योंकि इन पदों पर एकल प्रत्याशी होने के कारण निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसी तरह से पंचायत समिति सदस्य के 3 पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 118, मुखिया पद के लिए 2, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 3, ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 1 पद शामिल है। इसी तरह बिहार पंचायत चुनाव का तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग होनी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे होगी। तीसरे चरण में कुल 23,128 पदों के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। इन पदों के लिए 81,616 उम्मीदवार मैदान में हैं। सीएम नीतीश ने की अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के योजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव देवेश सेहरा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आवासीय विद्यालय छात्रावास योजना, छात्रवृत्ति एवं मेधावृत्ति योजना, थुरहुट क्षेत्र विकास योजना, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में आने के बाद से हम लोगों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी सुविधाओं और उत्थान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार चौपाल .com के मुताबिक सीता के जन्मस्थली से विख्यात सीतामढ़ी को सीता के जन्मस्थान के रूप में माना जाता है। सीतामढ़ी के पुनौरा नामक स्थान पर जब राजा जनक ने खेत में हल जोता था तो उस समय धरती से सीता का जन्म हुआ था। सीता के जन्म के कारण इस नगर का नाम सीतामढ़ी पड़ा। सीतामढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थल जानकी स्थान मंदिर, उर्बीजा कुंड, हलेश्वर स्थान, पंथ पाखड़, बघी मठ आदि प्रमुख है। इसलिए आप जब भी सीतामढ़ी जाएं इन जगहों का भ्रमण जरूर करें। कार्यपालक सहायक की नौकरी 60 साल की उम्र तक पक्की। बीते दिन बिहार पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान जारी करते हुए कार्यपालक सहायक की नौकरी 60 साल की उम्र तक पक्की होने की बात कही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के विकासशील मंत्री नीतीश कुमार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बसे 80% आबादी के लिए चिंता करते रहते हैं। उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार के सभी पंचायतों में RTPS काउंटर खोलने का काम किया गया है, जिसमें कार्यरत कार्यपालक सहायता को प्रत्येक पंचायत के लिए काम करना पड़ रहा है। हालांकि इस काम के लिए उन्हें संविदा की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब कार्यपालक सहायक की नौकरी 60 साल की उम्र तक पक्की रहेगी। ज्ञात हो ये नियम उनके लिए लागू होगा जिनकी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न पंचायतों में कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई है। बोर्ड की वेबसाइट पर 27 तक अपडेट करनी होगी शिक्षकों की सूची। बिहार बोर्ड ने प्लस टू और कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों की सूची को अपडेट करने का निर्देश जारी किया है। इसको लेकर बोर्ड ने 27 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। बोर्ड का कहना है कि अगस्त में ही सभी शिक्षकों से सूची अपडेट करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक काफी संख्या में स्कूल और कॉलेज द्वारा सूची अपडेट नहीं की गई है। इसलिए अब बोर्ड ने सारे स्कूल और कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों की सूची वेबसाइट पर अपडेट हो इसके लिए 27 अक्टूबर तक तारीख बढ़ा दी है। बोर्ड का कहना है कि इंटर की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन और परीक्षा से संबंधित विभिन्न गोपनीय कार्यों के लिए शिक्षकों की जरूरत होती है। इसके लिए बोर्ड द्वारा हर साल डायरेक्टरी अपडेट की जाती है। इस दिन होगी बिहार से मॉनसून की विदाई। बिहार में हो रही बारिश अब थमने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि जल्द ही मॉनसून की विदाई के संकेत दिए गए हैं। विभाग की माने तो 8 अक्टूबर से मॉनसून की वापसी यात्रा शुरू हो सकती है। वहीं अभी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में विभाग की माने तो पूर्वी चंपारण में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इन जिलों के अलावा कहीं भी बारिश के कोई संकेत हालांकि देखने को नहीं मिले हैं। विभाग का कहना है कि आने वाले 10 दिनों में मॉनसून की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी, फिर पश्चिमी हवाएं ठंड लेकर आएगी। वैसे तो 30 सितंबर से मॉनसून की विदाई होती है, लेकिन इस बार पोस्ट मॉनसून में जमकर बारिश हुई है। इस बारिश का असर ठंड पर होगा।
बिहार में अभी भी है 2 लाख से अधिक शिक्षकों की जरूरत। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल लगातार उठाए गए हैं। हालांकि ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिहार के 3700 स्कूल में पढ़ाई भगवान भरोसे है, क्योंकि मात्र एक ही शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हम ये किस बिना पर कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थान यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 3700 स्कूल में मात्र एक ही शिक्षक है। यह शिक्षक शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों काम करते हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2,22,316 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, यानी कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की क्षमता का 59% पद खाली है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 89 शिक्षकों की जरूरत है। ज्ञात हो यूनेस्को ने यह रिपोर्ट जिला स्तर पर डेटा एकत्रित कर जारी किया है। सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए बनी समिति। सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए समिति बना दी गई है, जिसके तहत 50 पार के कर्मचारी को सरकारी सेवा में बनाए रखना लोकहित में है या नहीं, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। कर्मचारियों की दक्षता जांचने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने इस समिति का गठन किया है। समिति गठन होने से 50 पार वाले कर्मचारियों में खलबली मची है, जिसके तहत अब इस बात की जांच होगी कि 50 पार कर्मचारियों की कार्यदक्षता या आचार ऐसा तो नहीं है जिससे इन्हें सेवा में बनाए रखना न्याय नहीं है। अगर दक्षता और आचार बेहतर नहीं हुआ तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, जिसके तहत ही अब जिन सरकारी सेवकों की उम्र किसी वर्ष जुलाई से दिसंबर में 50 वर्ष से ज्यादा होने वाली है, उनके मामले की समीक्षा समिति द्वारा उसी साल जून महीने में की जाएगी। के लिए अधिकतर ट्रेनों में छठ तक लंबी वेटिंग। अक्टूबर महीने के शुरू होते ही बिहार में त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। इस दौरान देश विदेश के कोने में बसे बिहारी बिहार आने पे मजबूर हो जाते हैं। त्योहार चाहे दुर्गा पूजा हो या छठ, इनका महत्व हर बिहारी के दिल में जरूर देखने को मिलता है। हालांकि अब जैसे जैसे त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है, ऐसे में बिहारी लोग दिवाली और छठ पूजा के मौके पर अपने गाँव तो आते ही है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी समस्या एक ही है, ट्रेनों और विमानों में सीट की कमी। ऐसा ही आलम इस बार भी देखने को मिल रहा है। आलम कुछ यूं है कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में अगर आप स्लीपर में कंफर्म टिकट चाह रहे हैं तो 1 दिसंबर से पहले नहीं मिलेगा। दशहरा से लेकर छठ के बाद तक इस ट्रेन में भारी वेटिंग है। वहीं श्रमजीवी एक्सप्रेस में अभी से कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। बैंगलोर पटना रूट से की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन संघमित्रा का हाल भी बुरा है। कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। इन दिनों बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण का काम भी लगातार जारी है। इसी बीच सीएम नीतीश भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूम घूम कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में वो बीते दिन किशनगंज पहुंचे थे, जहां खगड़ा हवाई अड्डा पर उनका स्वागत किया गया। ज्ञात हो मुख्यमंत्री ने इस दौरान सीमांचल इलाके का एरियल सर्वे किया, हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान राहत शिविर का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। हालांकि इस काम में सीएम नीतीश अकेले नहीं थे, बल्कि इस दौरान बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान लोगों को राहत पहुंचाते रहने की बात कही। अब अध्ययन अवकाश ले सकते हैं सरकारी शिक्षक। बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवानियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2020 और बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के तहत शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि अध्ययन अवकाश की अधिसूचना जारी है, जिसके तहत 3 साल की सेवा देने के बाद सरकारी शिक्षक अध्ययन अवकाश पर जा सकते हैं। इसको लेकर उन्हें आसानी से अनुमति विभाग की तरफ से मिल जाएगी। हालांकि शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ किया है कि उन शिक्षकों को अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा जो किसी अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे या निलंबित होंगे। इसके साथ ही भी साफ कहा गया है कि बिहार में सरकारी शिक्षकों को 3 साल का सर्विस पूरा करने के बाद ही अध्ययन अवकाश दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने 2 जजों को दिलवाई शपथ। पटना हाईकोर्ट में बीते दिन चीफ जस्टिस संजय करोल ने इन नव नियुक्त जजों को सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन के लॉबी में आयोजित शपथ समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने 2 नवनियुक्त जज यानी कि जस्टिस नवनीत कुमार पांडे और जस्टिस सुनील कुमार पवार को शाम 4:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई, जिसके बाद अब इन दोनों जजों के साथ पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजों की संख्या 21 हो गई है, जबकि पटना हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। इसी तरह अभी भी जजों के काफी पद खाली पड़े हैं। उपचुनाव में जीत दिलवाने के लिए मैदान में उतरेंगे सीएम नीतीश। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत अब 30 अक्टूबर को मतदान होने वाले हैं। हालांकि इन सबके बीच बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आई है वो ये है कि इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम नीतीश खुद भी मैदान में उतरने वाले हैं, जिसके तहत इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सहित एनडीए के दिग्गज चुनाव प्रचार में अपना पसीना बहाएंगे। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि इनमें जदयू की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों सीटों पर पारंपरिक रूप से जदयू
ही हमेशा से रही है। कई दशक से इन पर इनका कब्जा रहा है एनडीए का। ऐसे में एनडीए इस पर पूरा जोर लगा रहा है कि उपचुनाव में भी इन दोनों सीटों पर उनका कब्जा बरकरार रहे। की नई कार्य समिति का हुआ गठन। भाजपा की नई कार्य समिति का गठन बीते दिन कर दिया गया है, जिसमें बिहार के कई नेताओं को भी जगह मिली है। राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में सांसद रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, विधायक भागीरथी देवी, नित्यानंद रॉय को शामिल किया गया। वहीं राधा मोहन सिंह को एक बार फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बिहार से मंगल पांडे, गोपाल जी ठाकुर, प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव को जगह मिली है। राष्ट्रीय प्रवक्ता में बिहार से डॉक्टर संजय मयूख, सैयद शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, गुरुप्रकाश पासवान को जगह दी गई है। वहीं बिहार प्रभारी के रूप में सांसद हरीश द्विवेदी को जिम्मेदारी दी गई है और अनुपम हाजरा को सह प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि अब तक बिहार में भूपेंद्र यादव ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राजद के स्टार प्रचारक की सूची हुई जारी, तेज प्रताप को यहां भी नहीं मिली जगह। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। इन सबके बीच राजद के स्टार प्रचारकों की सूची भी बीते दिन जारी कर दी गई। हालांकि हैरान करने वाली बात यह रही कि राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में तेज प्रताप यादव को शामिल नहीं किया गया, यानी कि उन्हें लिस्ट से बाहर रखा गया है। इतना ही नहीं, प्रचारकों की सूची में राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी का नाम भी नहीं शामिल है। राजद ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तनवीर हसन, वृषिण पटेल, मनोज कुमार झा, भरत मंडल समेत अन्य के नाम शामिल है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन उनके साथ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप नहीं होंगे। दिल्ली में सीएम नीतीश और चाचा पशुपति पारस पर बरसे चिराग। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि आज मनाई जाएगी। वहीं चिराग पासवान रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाने के लिए ही दिल्ली में मौजूद है। इसी कार्यक्रम के दौरान बीते दिन उन्होंने सीएम नीतीश और पशुपति पारस पर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पारस चाचा ने अपने एक सहयोगी के माध्यम से निमंत्रण जरूर भेजा था। मुझे और मेरी माँ को परिवार के किसी सदस्य ने आना जरूरी नहीं समझा, इस बात का मुझे दुख है। इस कारण मेरे मन में एक सवाल उठ गया कि क्या राजनीति की वजह से इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि दशकों पुराने रिश्ते में खटास आ गई। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश बिना नाम लिए कहा कि चाचा आज ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठे हैं जो हमारे नेता की बरसी पर श्रद्धांजलि देने तक नहीं आए। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,050 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,880 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.92 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 97.88 रुपए प्रति लीटर थे। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय वायुसेना का गठन 1932 में आज के दिन हुआ। भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य 1998 में आज के दिन बना। भारतीय गेहूं पर 2004 में मॉनसेंटो का पेटेंट रद्द आज के दिन किया गया। कश्मीर में 2005 को भूकंप से हजारों लोगों की जान आज के दिन गई थी। प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और नेता बद्रुद्दीन तैयब जी का जन्म 1844 में आज के दिन हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार का जन्म 1926 में आज के दिन हुआ था। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का निधन 1979 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच निक वेब आगामी T20 विश्व कप के बाद अपने पद से हट जाएंगे। निक वेब साल में 6 से 8 महीने घर से दूर नहीं रहना चाहते हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2019 के बाद शंकर बसु का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निक वेब टीम इंडिया के साथ जुड़े थे, लेकिन अब उन्होंने अलग होने का फैसला लिया है। कोविड काल के बाद उनके लिए अपने परिवार से दूर रहना काफी कठिन हो गया है। निक वेब ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर 2 साल बाद अपने पद छोड़ने का ऐलान किया है। पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रजापति कुमार, बबीता यादव, महेश कुमार चौधरी, सनी कुमार, लाल बाबू, शंकर मुखिया, विजय घायल, सुरभि कुमारी, अनन्या चौरसिया, मनीष मोहरा, धर्मेंद्र रजा, ललित कुमार, मंटू मनोहर, सुजीत कुमार चौधरी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।